ये मैशो कॉपी है, ये मेला कॉपी है, ये मेला कॉपी है, ये शाबाश। हाय कद्दू, लो चल मैं अपने नानी के घर, लो मैं चलिए वापस अपनी दादी के, दादी घर जा रही है अब। कितनी प्यारी है तेरी नाकी, कभी पतली होगी नहीं होगी, पहले छोटी होगी। और क्या क्या तुम्हें? मैंने कुछ नहीं किया अपनी कसम, मैंने कुछ नहीं किया ना, मैं बेहतर है। मेरी भांजी को हाथ लगाया ना रुला, तुम्हारा इस घर में जीना आराम कर दूंगा। चलो ताई पे वो चार बाय चार का जीगू तो संभलता नहीं, कह रहे दो और कहां संभालूं मैं। लड़ावन में बढ़िया एकदम पैक्ड घर है, ऐसे हवा नहीं आती इस घर में। यहाँ खुला घर है, वहाँ बिल्कुल पैक्ड घर है, वहाँ हवा नहीं आती, बल्कि यहाँ कितना तूफान चल रहा है। मशीन चलती है भाई पूरी रात। कल रात तो बुरी हालत कर दी थी, माई दादी के पास जाना, दादी के पास जाना है। परसों तक ताई दिल से, दिल से नहीं है। सॉरी अब मेरे हस्बैंड माइंड बना के निकल चुके, लेके आना है। अब मैं और जहाँ मेरी इज्जत नहीं वहाँ मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। साफ सी बात है, बोलना क्लियर भाई। खुद सब कुछ संभालना, एक बच्चा, दो बच्चा, ओए बाकी तीन कहाँ हैं? जीगू, माईशु, चार बच्चे टोटल हमारे घरों में, छह बच्चे इस वक्त, और छह के छह लगभग एक ही उम्र के, एक साल गैप में। पर सबसे पूरे घर में सबसे शांत, सबसे शांत नहीं, सबसे 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 शांत, सबसे प्यारा बच्चा ये माइका। ये तो ऐसा है कि इसको तो भाई ऊपर चिटकने लगा, धूप में टांगो इसको चिटकने लगा। रात को कह रही थी बुआ डांटती है, मैंने तेरी बुआ का मैं बताऊंगा। अरे मैं बता रहा हूँ तीसरे पे होगा, पर पहले पे यही है। क्या कौन सबसे ज्यादा एकदम वो कहते हैं ना, मतलब मुझे लगता है कि लौंडे चार एक अकेली लड़की वो ये जीगू ऐसे एकदम, पता क्या दादी के बजाएगा तो मम्मी चिल्लाएगा, मम्मी के बजाएगा तो दादी चिल्लाएगा। प्यार तो तुम बोलोगे सारे प्यार करो तो यू का डोरा आपको मिल जाएगा। आकाश पोते के लिए कति ऐसा प्यार टपक रही है दिल से, नहीं रुका सा। सबसे प्यारा ये, सबसे प्यारा बच्चा, सबसे प्यारा गुरु। इसकी आईब्रो कहाँ वैसे? शर्मा गई, वो शर्मा गई। तेरी आईब्रो कहाँ है? विनी द पू लगती है, पता है विनी द पू? अरे जब विनी द पू नहीं देखा, सेम वही कॉपी है उसके बच्चे की, बचपन की विनी द पू। उन्होंने ना अपनी मम्मा को बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया, पर उनकी मम्मा ने बोला फिर मैं आपको पिज्जा नहीं खिलाऊंगी। आपको पिज्जा अच्छा लगता है ना? किस बुआ ने बनाया था, किसने बना के खिलाया था पिज्जा? कामाक्षी बुआ ने। तो आज मैं बोलूंगी माईशु ना प्यारी वाली टाइगर है, छोटी वाली ब्लू आईज वाली टाइगर है, उसको पिज्जा खिला दो ठीक है। पर हम बाहर नहीं जा सकते, तो हम जो होते हैं ना वो प्यारे कौन, पापा, पापा कौन है? पापा तो डायनोसॉरस है। कौन है? और मम्मी क्या है? मम्मी के तो छिपकली है। मम्मी छिपकली नहीं है, मम्मी कछुआ, 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 मम्मी कछुआ। तेज काम करती है, फट 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 करके, जैसे छिपकली, छिपकली की जीभ ऐसे सटाक से खा जाती है। आपको पता है छिपकली कौन होती है? लिजार्ड, जो दीवारों पे नहीं होती, जिससे आप डरती नहीं हो, वो छिपकली बाहर होती है। हाँ बाहर होती है ठीक है। आपको मैं शाम को छिपकली दिखाऊंगी। अब सोई सोई कर लो जल्दी से, सोई सोई करेंगे। मम्मा भी नन्नू को निन्नी आ ली है ना, फिर हम बाहर मंकी भी देखने जाएंगे। हाँ गाल पे हाथ रख के सुन, काबू आती है बहुत मुश्किल से लड़की। अच्छा नहीं बात करूंगी किसी से भी, किसी से बात नहीं करनी मुझे, नहीं करेंगे हम बात नहीं करेंगे किसी से। मानसा जी तो घर चली गई थी, हम सब सो गए थे मानसा को लेके। मैं लेट आया घर, आते ही थोड़ी देर बाद मम्मी का फोन आया, मुझे नहीं पता क्यों आया, ऐसा लगा मुझे कि नॉर्मल बात होगी, पर देखा 11:30 बज रहे थे, मैं सो चुकी। अचानक से मम्मी ने बोला रुक सा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, अलीज़ा के लिए, अलीज़ा पापा के पास छोड़ के। फाइन ने तुरंत गाड़ी निकाल के रुखसार को हॉस्पिटल लेके गए। मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, बहुत अर्जेंसी में फ़ोन आया, तो मैं और मैंग निकल रहे हैं। हमारा घर बहुत ज़्यादा पास है, इसलिए तो मैं ब्लॉग कर ही रही थी। आई डोंट नो हुआ क्या है रुखसार को, बट
हम हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं सबसे पहले, हमारे घर के पास जो है, जल्दी चलो ना। ऐसे ही बालों में तेल लगा हुआ था, बस सर्दी की वजह से थोड़े कपड़े मोटे पहन लिए, ठंड हो रही है, 12 बज जाएंगे हमको। हमें बहुत ज़्यादा जल्दी है और उतना ही रात में यहाँ जाम है, क्योंकि यहाँ साइड में मेट्रो का काम चल रहा है हमारे घर के पास, तो पूरा ये पैक्ड है। पहिम का भी जस्ट कॉल आया था, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, पता नहीं वो इतना ज़्यादा घबरा गया कि वो रोने ही लगा कि बहन जल्दी आ जा, मुझे ज़रूरत है बहन, मुझे जल्दी आ जा। सर को एडमिट करा दिया है, हुआ क्या ये तो मुझे भी नहीं बताया, बस मुझे बस कॉल करके बोला कैसे ऐसे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, वो बेहोश हो गई है, तो प्लीज़ आ जाओ इसलिए। और होपफुली मैं टाइम पे घर आ गया था, मतलब जब मुझे निकलना था, यहाँ जो जाम लगा है मुझे नहीं पता कितने देर बंद भी कर रखा है, शिट यार, शाम से रोड छुड़ा रहे बंद भी कर रखा है, मेट्रो के अंदर फंस गए। जब जब फ्रेम से जब उतरो, मेरा भाई परेशान हो गया था, अभी ठीक है। फाइनली रुखसार का डिस्चार्ज हो रहा है, अभी वो स्टेबल है इसलिए उसे घर लेके जा रहे हैं। The next day. मॉर्निंग गाइस, मैंने कल शाम को जैसे आपको दिखाया था कि रुखसार की तबीयत बिगड़ गई थी, हम लोग डर गए थे कि क्या हो गया क्या हो गया, बट कुछ ज़्यादा नहीं, डॉक्टर ने बस उसको एक ग्लूकोज लगाया और एक पैंटॉप वगैरह दिया, उन्होंने कहा थोड़ा सा बीपी गिर गया है, इसकी वजह से स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी, स्ट्रेस्ड आउट होने की वजह से वो थोड़ा फेंट हो गई थी और एक डेढ़ घंटे में वो घर चली गई थी, थोड़ा कमजोरी भी फील कर रही थी वो, अभी वो ठीक है। मैंने सुबह सुबह कॉल किया, शी इज़ फाइन, अलीज़ा भी ठीक है, मुझे वक्त नहीं मिल पाएगा कि मैं घर जाऊँ इसलिए मैंने फ़ोन ही कर लिया था, बट अभी वो ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, शी इज़ ऑल राइट एंड आई एम हैप्पी। ठीक है, ओके। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, और मैंने सुबह सुबह यहाँ पे बनाया था सांभर, जो कि मेरे कपड़ों पर भी लग गया है, छींटे आते हैं ना, तो उसके स्किन अपडेट दे देती हूँ। दिस इज़ माई स्किन, जो मैंने ट्रीटमेंट लिया था कॉस मिलान पील का, वो मेरी स्किन पर आप देख सकते हो 70% तक फेड हो गए हैं स्पॉट्स, बट अभी भी है और वो बिल्कुल जड़ से नहीं जा सकते अगर आपको मेलाजमा है, झाइयाँ है। तो अभी इडली सांभर बन चुका है सुबह के, और मेरे को जैसे कि मेरे को खाना था डाइट में सोयाबीन पनीर या फिर एग्स ले सकती हूँ, तो मेरा बिल्कुल पनीर मुझे बिल्कुल टेस्टलेस लगता है समटाइम्स, डेली नहीं खा सकता कोई। मैं यहाँ पे बनाया जा रही हूँ सोयाबीन के कबाब्स, बिकॉज ये बिल्कुल टेस्ट करते हैं रियल कबाब्स जैसे, अगर वैसा बनाया जाए तो मैंने भिगा दिए, ये छोटे वाले मिनी चंक्स होते हैं ना सोया चंक्स, वो हैं, और मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आता है कि जब मैं कुछ खाती हूँ या मैं फोटोज डालती हूँ तो मैं कैसे बना रही हूँ, तो मैं सोचा मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने हल्के गुनगुने पानी में से भीगने के लिए छोड़ दिया, 15-20 मिनट अच्छे से भीग जानी चाहिए, थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। नाउ इट्स प्रिपरेशन टाइम गाइस, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सोप जो हमारे थे सोया चंक्स मिनी वाले, उसको मैंने जार में ले लिया है, आधा आधा करके भी इसमें जगह नहीं है, अंदर डालेंगे प्याज, ग्रीन चिलीज, और ये काफी तीखी है तो इसलिए मैंने धो ली है, थोड़ी सी अदरक टेस्ट अनुसार, सम गार्लिक, इसको हम कर लेंगे ग्राइंड, इस तरीके का कुछ पेस्ट हो जाएगा, बस मेक श्योर कि पानी थोड़ा कम हो, मतलब इसको आपको बिल्कुल निचोड़ के ही डालना है, और हम इसे इसमें शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा मिक्सचर रेडी है, इसके अंदर हम सूखे मसाले डाल दे रही हूँ मैं, जिसमें है नमक, हल्की सी लाल मिर्च, थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्की सी हल्दी, एंड दैट्स ऑल। भुना हुआ जीरा ये, इसमें बाइंडिंग के लिए डालूंगी मैं कॉर्नफ्लावर और एक चम्मच बेसन, इस सारी चीज को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ओके, सो हमारा मिक्सचर रेडी है, ज्यादा फैंसी चीजें भी नहीं कर सकती हूँ, टाइम नहीं मेरे पास, छोटी छोटी ऐसी टिक्कियों की तरह बना के प्लेट में रख रही हूँ, एंड उसके हम करेंगे एयर फ्रायर। हमारे कबाब्स रेडी हैं, अब हम इसे करेंगे एयर फ्राई, हल्का सा मैं इस पे घी लगा दे रही हूँ, आप बेकिंग पेपर भी रख सकते हो बट मैंने नहीं रखे। सो हमारे Oh my God, soybean veg kebabs ready and look at this crispiness. थोड़ा गरम में टच कर लेती हूँ गाइस, किचन का काम करते करते ना आदत हो गई है, तो मैं 5 ही लूंगी अभी, बाकी मैं और डाल देती हूँ जो हमारे यहाँ रखे हुए हैं। Alright, let's start. मैं सर्व करूँगी ये मेरी फेवरेट हरी धनिया वाली चटनी। शूट करने के लिए रेडी हुई हूँ, पैसा की लाइट आ रही है, मतलब लाइट तो नहीं आ रही है, माइशू ना माइशू ना माइशू कहाँ चल, ठीक है लेट्स ईट दिस, इट्स जस्ट सो गुड, लाइक लेट मी शो यू माइशू, देखो मैं क्या खा रही हूँ, जस्ट सो गुड,
यमी है। आप ट्राई कर सकते हो, बस गरम मसाला या खड़े मसाले ज़्यादा नहीं डालना, टेस्ट खराब हो सकता है। आप तल के खाओगे तो ये ज़्यादा यमी लगने वाले हैं। शैलो फ्राई है, डीप फ्राई, ये बहुत टेस्टी लगेंगे। मैंने कोई ऑयल नहीं, कुछ नहीं लिया, इसमें थोड़े रूखे रूखे लग रहे हैं। और आप रेड चटनी के साथ भी खा सकते हो, ये बहुत यमी लगता है। सो या दैट वॉज ऑल अबाउट दिस रेसिपी ब्लॉग और फैमिली ब्लॉग, जो भी आप कह लो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।